हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कुकरी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन की तीखी खट्टी चटनी। ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसके लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हम देखेंगे। सामग्री की ओर चलते, हरा धनिया थोड़ा सा, तड़के के लिए करी पत्ता, थोड़ा सा राई एक टेबलस्पून है। यहाँ पर तेल है, इमली का पानी निकाल लिया है हमने। इमली थोड़ी देर भिगोकर उसको निचोड़ कर उससे पानी निकाल लिया है। लाल सूखी मिर्च का पाउडर है ये। स्वादानुसार नमक ले ले। लहसुन की कलियाँ, लहसुन की चटनी है इसलिए लहसुन थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पर है एक टेबलस्पून जीरा। तो चलिए फ्रेंड, हम देखते हैं कि हमें किस तरह से बनाना है इस चटनी को। इसके लिए हम लेंगे मिक्सर। इसके लिए हमें मिक्सर की ज़रूरत होगी, चटनी है इसीलिए हमें उसे पीसना है। तो मिक्सर में हम पहले डालेंगे लहसुन। ये लहसुन की लगभग 15 से 20 कलियां हैं। इसी में जाएगा जीरा। इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ये मैंने हरा धनिया डंठल के साथ डाला है ताकि धनिए की टेस्ट बहुत अच्छी आती है डंठल अगर डालेंगे तो। इसी में हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। मैंने ये एक टेबलस्पून नमक लिया है। ये है लाल सूखी मिर्च का पाउडर। ये मैंने लगभग 2 से 2.5 टेबलस्पून तक लिया हुआ है। ये भी हम इसी में डालेंगे। इसी में हम डालेंगे इमली भिगोकर, जो हमने इमली का पानी निकाल लिया था छोटी आधी कटोरी, हम इमली का पानी भी इसमें ऐड करेंगे ताकि चटनी को खट्टापन मिले। ये हमने सारी चीज़ें इसमें डाल ली है। अब हमें इसे मिक्सर में बारीक पीस लेना है। तो चलो फ्रेंड्स, हम इसे बारीक पीस लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे एकदम बारीक पीस लिया है। पीसने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। चटनी में थोड़ा नमक ज़्यादा ही रखें क्योंकि चटनी का स्वाद आता है। आप चाहे तो इस चटनी को ब्रेड के साथ खाए, ज्वारे की रोटी के साथ खाए, या फिर अपनी गेहूं की रोटी के साथ, पकोड़े के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखते हैं कि हम इसे किस तरह से तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए तेल। मैंने ये 3 टेबलस्पून तेल लिया हुआ है। यहाँ पर हमने गैस पर पैन चढ़ाया हुआ था गर्म होने के लिए। वो गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें तेल डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें तड़के के लिए डालेंगे 1 टेबलस्पून राई। जब राई अच्छे से फूटने लगे तेल में, देखिए ये हमारे राई फूट चुके हैं तेल में, तो हम इसमें डालेंगे करी लीव, ये ताज़ा करी पत्ता। अब गैस को बंद कर दे और पैन को आँच से हटा ले ताकि हम जो चटनी इसमें डालेंगे वो जले नहीं। अब हम इसमें ये पीसी हुई चटनी डाल देंगे। इस तरह से हमने ये चटनी इसमें डाल दी है। मिक्सर के जार में अगर चटनी ज़्यादा लग गई है तो आप कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पानी उसमें मिला ले और पानी मिला के इस तरह से डाल दें। अब हमने ये पैन फिर से गैस पर रख दिया है। अब हम इसे अच्छे से हिलाएंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे पकाएंगे। इसमें जो हमने एक्सेस पानी डाला हुआ था, जो मिक्सर में लगी हुई चटनी निकालने के लिए, उसे हम थोड़ा एक से दो मिनट पकाने के बाद देखो जैसा टेक्सचर हमें चटनी का चाहिए था। इसमें जो हमने ज़्यादा का पानी डाला हुआ था वो बिल्कुल सूख गया है, वो पानी सूख गया है ये हमें समझ में आएगा। इसमें डाला हुआ तेल जो है चटनी में ऊपर आ चुका है, इसका मतलब हमने डाला हुआ पानी इसमें सूख गया है। तो हमारी चटनी बनकर रेडी है। आओ हम इसे सर्व। इस तरह बिल्कुल बनकर रेडी है हमारी लहसुन की खट्टी चटनी। ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड्स।
आप चाहे तो इसे पकोड़े के साथ सर्व करें, या फिर ड्राई रोस्ट किए हुए ब्रेड के साथ सर्व करें, या तो फिर आप इसे खाने के साथ रोजाना भी यूज कर सकते हैं। आप इसे एक बार जरूर बनाएं और जरूर जरूर चखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस तरह से हमारी ये खट्टी इमली की चटनी, लहसुन वाली खट्टी इमली की चटनी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, और आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्रिप्शन बटन के नीचे बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय फ्रेंड्स।